सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स किचन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे दबाइए यूनिक कुकिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आइए आज हम आपको प्याज की कचौड़ी बनाना बताते हैं। ये कचौड़ी राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो कचौड़ी हर चीज़ से बनती है, मसलन आप किसी भी दाल से बना सकती हैं, आलू से बना सकती हैं, मटर से बना सकती हैं, मेथी बथुआ हर चीज़ से, गोभी से बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम प्याज की कचौड़ी बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात हम शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमको प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए कौन सा सामान चाहिए। ये देखिए, गरम मसाला है 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच, ये हल्दी पाउडर है, ये अजवाइन है, इसको हम आटे में डालेंगे, ये नमक है, ये बेसन है 2 चम्मच, अमचूर पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये प्याज हमने काटा है, ये 4 बड़ी प्याज हमने काटा है। आप अपने फैमिली के अनुसार प्याज ले सकती हैं, ये इस तरह से कटेगा धुल के। इसमें कुछ हरे मसाले भी हम डालेंगे, ये धनिया की पत्ती है महीन कटी हुई, ये अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, ये हरी मिर्च है 3-4, आप जितना तीखा पसंद करती हैं आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं, क्योंकि हम लाल मिर्च भी डालेंगे। देखिए, ये कढ़ाई हमने गैस पर रखा है, अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि उससे टेस्ट में अंतर आ जाता है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आइए देखिए, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे, इसको हम 2 मिनट भून लेंगे, फिर हम इसमें सारे मसालों को डालेंगे। ये हल्दी हम डाल रहे हैं इसमें, हल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हल्का सा पीलापन आ जाएगा तो वो देखने में अच्छा लगता है। देखिए, इसमें हम धनिया पाउडर डालते हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए, ये अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, ये हरी मिर्च डाल दीजिए, अब इसमें आप गरम मसाला डाल दीजिए, अब आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक इसमें मिला दीजिए, अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने से ये आपस में एकदम लिपट जाएंगे तो भरने में आसानी रहेगी। गैस की फ्लेम आप धीमी कर दीजिए। ये बेसन हमने डाल दिया इसमें, देखिए, अब इसको आप भून लीजिए, अच्छे से भूनिएगा ताकि बेसन का कच्चापन इसमें न रहे। ये प्याज भून चुका है, अब सबसे लास्ट में आप इसमें अमचूर पाउडर डालिए, या आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं। अब इसको आप अच्छे से मिला दीजिए, गैस ऑफ कर दीजिए। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं, अब इसको आप अच्छे से मिला दीजिए। आइए, जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है तब से हम कचौड़ी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। देखिए, ये 2 कप हमने आटा लिया है, इसमें हम ये अजवाइन मिलाएंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए, तकरीबन 1 चम्मच, अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें आटा गूंदेंगे। ये आटा हमारा गूंथ चुका है, इसको हम 5 मिनट रेस्ट रखेंगे। ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो गया है, अब इसकी नींबू के आकार की हम रोई लेंगे इस तरह से, इसमें हम थोड़ी सी फ्लेम भरेंगे, इसको हाथ से ऐसे दबा दीजिए, और दबा के इसको आप इस तरह से बंद कर लीजिए चारों तरफ से, ऐसे आप इसको बंद कर लीजिए। ये तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे इसको। देखिए, इसको एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ आप पलट लीजिए, बहुत तेज आंच मत कीजिएगा नहीं अंदर से कच्चा रह जाएगा।
देखिए कचौड़ी बन के तैयार है, गैस आप ऑफ कर दीजिए। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए प्याज की कचौड़ी बन के तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।